बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद साधना में आप सबको वेलकम। और आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट बर्थडे स्पेशल चॉकलेट केक, और ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग भी ट्राई करें। निमरा मेरे साथ हेल्प करेंगी, मुझे असिस्ट करेंगी। कैमरा में निमरा के साथ मैं हूँ अनाया असद। पहले हाफ कप दूध में हम पहले मैंने हाफ कप दूध लिया है, इसमें मैं एक बड़ा चम्मच विनेगर का ऐड कर दूंगी। ये वाइट विनेगर सिंपल वाला, मैं इसको ऐड करके नॉर्मल रूम टेम्परेचर हल्का सा गुनगुना वार्म दूध है ये, और मैंने इसके 1.5 टीस्पून विनेगर ऐड किया। इसको इस तरह से मिक्स किया और इसको मैं एक साइड पर रखूँगी इसको कर्डल करने के लिए। ये 2 टेबल स्पून बड़े वाले मैंने हॉट वाटर लिया है, इसमें मैं 1/2 टी स्पून कॉफ़ी ऐड कर दूंगी और इसको हम अच्छे से घोल के रख देंगे। ये भी हम साइड में कर लेंगे। सबसे पहले हमने अपना देगचा प्री हीटेड होने के लिए रख दिया है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। हम इसको 10 मिनट फ्लेम को हम अपना देगचा प्री हीटेड करेंगे और अपना मूड तैयार कर देते हैं। उसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आपके पास मूड है तो मूड में भी लगा कलर कर दें आप, वरना केक टिन जो होता है उसका उसमें कर दें। मेरे पास इस साइज़ का केक टिन नहीं है, मेरे पास केक टिन जो है वो बड़े साइज़ का है थोड़ा, तो मैं इसलिए देखती मैं आज बनाऊँगी। अच्छे से ग्रीस कर लेंगे हम ताकि केक चिपके ना कहीं पे भी ना। साइज हाफ कप दही ले लिया, ये फ्रेश दही है, हमारे घर का जो आम दही होता है हाफ कप मैंने दही लिया है। दही खट्टा होना चाहिए, नहीं नहीं मीठा, मतलब सही जो दही सही होता है ना मीठा जैसा, इस तरह का ज़्यादा खट्टा खट्टा ज़्यादा नहीं लेना। अब इसमें हम हाफ कप अपना आपको प्योरीफाइड मिल्क है वो है घी, प्योरीफाइड घी है या तो फिर अनफ्लेवर्ड ऑयल है जो आप प्रेफर करते हैं या बटर, वो डाल दें इसमें हाफ कप। इवन हाफ कप अपना हमारा वनस्पति घी है हबीब का, तो इसमें कोई स्मेल स्मेल भी नहीं होती, कोई हार्श भी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, हम वो उसमें ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें अपनी चीनी ऐड कर देंगे। हाँ, मैंने इसमें 1/2 कप 2 बड़े टेबल स्पून पीसी हुई चीनी ली है, वो इसमें ऐड कर देंगे हम। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, हम इसको अच्छे से क्रीमी टेक्सचर बना लेंगे इसको, हम बिल्कुल स्मूथ सा बना देंगे इसमें, बिल्कुल लम्स ना हो दही के जो। ये देखें बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर इसका कैसा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, ना चीनी ना घी और ना दही, दही के जो लम्स होते हैं वो नज़र नहीं आ रहे इसमें। इसको हम आप साइड में कर बोल ले लेंगे। हम अपना 1 कप भर के मैंने इसमें मैदा लिया है, वो हम कौन सा वाला कप घर में जो यूज़ करते हैं बड़ा। देखिए ये चाय का जो कप होता है नॉर्मल साइज़ का बड़ा वाला जो होता है, मतलब इस तरह का मैंने कप लिया है, ये अगर आप स्पून में नापेंगे तो ये 8 टेबल स्पून होंगे भर भर के। 8 टेबल स्पून मैदा लिया है, इसको हमने इसमें छान लिया है। 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें कोको पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टी स्पून भर के हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे, 1 पिंच के बराबर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, 1/2 टी स्पून में इसमें बेकिंग सोडा ऐड करूंगी, छान लेंगे अच्छे से। स्टेज पे ना अगर आपको उसको सेव करके रखना हो ना तो आप उसको 1 मंथ के लिए सेव करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। केक मिक्सचर कहते हैं ना जो अक्सर मार्केट में बना हुआ भी आ रहा है केक मिक्सचर, वो ये वाला होता है।
की तरफ। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने कर्डल बनाया था, दूध में हमने 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून हमने इसमें वो डाला था अपना विनीगर, वाइट विनीगर। हम इसमें थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जितना वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। हमारे रेडी हैं इतना भी वेट, ये वेट इंग्रेडिएंट्स से हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसको हम मिक्स करेंगे। डाल चुके हैं अपने सारे। अब इस स्टेज पे ना मैं ये देखिए सही से वजह से मिक्स भी नहीं हो रहा है, तो मैं इसमें अपना जो कर्डल बनाया था हमने उन्हें दूध और उसका विनीगर का मिक्सचर हम वो इसमें ऐड कर देंगे। कितनी देर के लिए रखना है इसको दूध और ये जो बनाया? 7 से 10 मिनट। मैं इसमें अपना ये कॉफ़ी का मिक्सचर जो हमने बनाया था वो भी ऐड कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो डालें, वरना नहीं डालना तो अगर आपको पसंद नहीं है ज़्यादा चॉकलेट का वो फ्लेवर ना डालें, लेकिन इससे अच्छे खुशबू आ जाती है और बहुत अच्छे का टेक्स्चर हो जाता है। चॉकलेट और कॉफ़ी का वैसे ही अलग कॉम्बिनेशन है। ये जब सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, इसमें घर के फ्रेश मलाई 1 टेबल स्पून भर के उसमें मैं ऐड कर दूँगी और बस इसको सारा मिक्स कर देंगे अच्छे से ताकि इसमें रिबन कंसिस्टेंसी आ जाए। हम डालें फोर करें तो ये अच्छे से मिक्स। मैंने वन साइड सारा फोल्ड किया है, इसको ना आपने पूरा मिक्स नहीं करना है इस तरह से, बस वन साइड फोल्ड करके यूज इस तरह से कर देना है ताकि ये अच्छे से हमारा बैटर तैयार हो जाए। ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है, इसकी थिकनेस देखें आप, ये देखें। अब हम इसको मोल्ड में शामिल कर देंगे अपने। देखें कि कैसे इसका टेक्सचर है, ना ज़्यादा ये गाढ़ा है इतना कि बिल्कुल नीचे गिरे, ना ज़्यादा ये इतना पतला है कि ये बिल्कुल ही गायब हो जाए गिरते के साथ ही। केक रेडी है, अब हम इसको अपने ओवन में रख देंगे। अगर आप लोग माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो पहले उसको रख देंगे, फिर हीट कर दें। हीट पर बनाएंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे 35 से 40 मिनट। ये 5 मिनट हो गए हमारे देखते को, अब हम इसको लो टू मीडियम कर देंगे ताकि हमारा बेक हो जाए 40 से 45 मिनट। अब हमारे यहाँ केक की तरफ, केक को रखे हुए 45 मिनट्स हो गए, चेक करते हैं। केक को हम ऐसे छुरी डाल के चेक करेंगे, एडसमीन हो गया है, हम इसको निकाल लेंगे। ये पीस से भी कंप्लीट बन गया है हमारा, अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट बाद। अभी हम इसको देख के नहीं निकालेंगे, जब ये कंप्लीट ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको निकालेंगे। हम इसको डिमोल्ड कर देंगे अपने केक को। ठंडा भी हो गया है बिल्कुल और कंप्लीट हमारा रेडी है फ्रोस्टिंग के लिए। अब पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से मैं छुरी की मदद से इसको पहले निशान लगा लिया, पहले मैंने निशान लगा लिया इस तरह से। अब मैं इससे मैंने ये निशान लगा दिया इसको अच्छे से, और देखें इसको मैं धागे से आर पार करके ना इस तरह से कटिंग कर लूँगी बीच में से। देखें कितने अच्छा हमारा केक तैयार हुआ है, तो स्पंजी सा आते हैं अच्छे से चाल बने हैं जिस तरह होता है ये बेकरी का केक। अब हम इसकी फ्रोस्टिंग की तैयारी। अब मैंने पानी लिया है, अब इसमें मैं 2 बड़े चम्मच चीनी के डाल दूँगी और इसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे अच्छे से। नीम गर्म पानी है ये गुनगुना, ये चीनी इसमें अच्छे से हमारी मिक्स हो गई है।
जो स्किन में मैंने नीचे इस तरह से आइसिंग रखती है, आइस पूरी और ठंडा पानी, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इतना करने से ना हमारी क्रीम ज़्यादा जल्दी मैट नहीं होगी। इसको हम बीट करेंगे, आप बीटर से भी बीट कर सकते हैं, ये मेरी रेडी है। अगर आपको हमारी क्रीम की रेसिपी देखनी है तो आप ब्लैक फॉरेस्ट केक में जाके, इसकी मैंने प्रोसेसिंग पूरी बताई हुई है, वो आप देख सकते हैं। टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से कोको का मिक्स आ जाए, कोको का टेस्ट आ जाए। बीटर की मदद से शुगर सिरप से मिक्स कर लेंगे। जा रही हूँ, बस ये वाली क्रीम लग जाए जो हमारी बनी है ना, वीडियो के आने से पहले पहले। अभी यहाँ बस ये केक आया था लास्ट टाइम, तो केक का जो नीचे का हमारा केक बोर्ड होता है वो रखा हुआ था मेरे पास, मैंने इसको फेंका नहीं था, तो अब हमारी काम आ जाएगा। सबसे पहले हम अपनी थोड़ी सी क्रीम लेके बोर्ड पे लगा लेंगे। अब इस पे हम अपने केक की लेयर को रखेंगे। हम इसमें अपना शुगर सिरप जो हमने बनाया है वो इसमें अच्छे से हम मॉइस्ट कर लेंगे ताकि हमारा केक बहुत अच्छे से जूसी जूसी सा बने और सॉफ्ट बने। पाइपिंग बैग में हम अपनी क्रीम को अच्छे से भर लेंगे ताकि बहुत अच्छे से सफाई से इसमें क्रीम लगे केक में। दूसरी वाली लेयर थी हम उस पर भी सेकंड वाली लेयर हमने लगा दी है। इसको हम अच्छे से क्रीम से फिल कर लेंगे। अच्छा हटो तो सही। ये हमारे केक की हमने फर्स्ट फ्रॉस्टिंग जो है, पहली वाली फ्रॉस्टिंग हमने लगा दी है। फिलहाल हमने इसको रफली लगाई है, गर्मी की वजह से क्रीम बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही है, तो हम इसको भी आधे घंटे के लिए फ्रिज में लगाएंगे। जब तक ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो फिर हम इसकी इसके चॉकलेट गनाश लगा देंगे। अब ये हमने इसमें चॉकलेट गनाश लगा दिया है। सॉरी, वो चॉकलेट गनाश की रेसिपी मैं इसमें नहीं अपलोड कर सकी क्योंकि मैं समझ रही वीडियो बन रही थी लेकिन वीडियो तो बनी नहीं। फिर खैर, इसकी गनाश की वीडियो हमारी ओरियो चॉकलेट केक बिस्किट वाले केक में है। आपको अगर वो वाली रेसिपी देखनी है तो आप ओरियो केक में जाके, ओरियो बिस्किट केक में जाके आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं चॉकलेट गनाश की। ऊपर से ही फिर मैंने इसमें ना डार्क चॉकलेट रखी हुई थी, बस मैंने क्रश करके लगा दिए और ऊपर से मैंने वाइट चिप्स पड़े हुए थे चॉकलेट के, वो लगा दिए हैं। बहुत ही मज़े का, बहुत ही सॉफ्ट केक बना था ये। असल में सरप्राइज़ था, मेरी बहन की बर्थडे है तो मैंने उसके लिए बनाया था। अब मैं जाऊंगी वहाँ पर सरप्राइज़ दूंगी। ये बॉक्स में बस रखा हुआ था बहुत अच्छा सा, तो मैंने इसमें रख दिया है। अब देखते हैं उसे कैसा लगता है ये केक। और अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा कैसा लगा आज आपको ये केक और कैसी लगी हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।